हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो जो लोग जो लिमिट टॉपिक है उसके आगे अपन जो दो टॉपिक पढ़ेंगे दोज आर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। दोनों ही टॉपिक जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए अपने को लिमिट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन दैट वे लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इन पे जो डिपेंडेंट टॉपिक्स है वो दोनों जेई मेंस और एडवांस में खूब आते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो अपन आज समझते हैं व्हाट इज लिमिट। लिमिट हमेशा अपन निकालते हैं किसी फंक्शन की, है ना, किसी फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है। जहां पे भी तुम्हारे को लिमिट मिलेगा, लिमिट किस फॉर्म में मिलेगा, लिमिट किसका निकालना है अपने को, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स When x is tending to a, है ना? इसका मतलब समझते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेन एक्स इज टेंडिंग टू ए। यहां पे हम दो बातें बोल रहे हैं, x इज टेंडिंग टू ए, है ना, x टेंड्स टू ए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेन एक्स टेंड्स टू ए। यहां पे x इज इक्वल टू ए नहीं है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है ये। x is equal to a में अपना इंटरेस्ट नहीं है, है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू a, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x नियर बाई x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a के आसपास, है ना, लिमिट का मतलब यही है, नेबरहुड में, x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में उसकी वैल्यू निकालना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिट। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, द लिमिट, ये पूरा जो है ना, ये पूरा डब्बा, इसका मतलब क्या है, इट इज द वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, इट इज द वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एज एक्स अप्रोचेस टू ए या एज एक्स टेंड्स टू ए। है ना, इट इज द वैल्यू, ये एक वैल्यू है बेसिकली, दिस इज वैल्यू टू विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एज एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स जब ए को अप्रोच कर रहा है, या अपन बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट को जब एक्स अप्रोच करता है, तो उस केस में f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना, उस अप्रोचिंग वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। अपन क्या बोलते हैं, दैट अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एक्सटेंड्स टू a, है ना, उस अप्रोचिंग वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, वो लिमिट है किसकी, f ऑफ x की। दैट अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एंड व्हेन एक्सटेंडिंग टू a। मतलब x जब a की तरफ मूव कर रहा है तो f ऑफ x किसी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है ना, f ऑफ x मान लो किसी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, तो वो जो अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x है, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं, दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल, लेट से दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल। यदि वो अप्रोचिंग वैल्यू एल है तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए, है ना, इफ दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू एल, है ना, इफ दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज एल देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए will be equal to L, है ना, समझना यहां पे point, मैं जो statement बोल रहा हूं, will be equal to L। तो limit जो भी अपने पास, जो भी अपन limit निकालते हैं किसी function की extending to A, ये हमेशा L के equal है, approach नहीं कर रहा L को, है ना, ये statement का मतलब क्या है, ये statement का मतलब क्या है, यदि x A को approach करता है तो f of x यदि L को approach कर रहा है, then this limit of f of x when x tending to a will be equal to l, this is exactly equal to l, it's not limiting। कौन approach कौन कर रहा है, x approach कर रहा है x को, x approach कर रहा है a को,
और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को, है ना। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, ए को, और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को, है ना। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स ए की तरफ मूव कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए में अपना इंटरेस्ट नहीं है, है ना। हो सकता है कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइन ही ना हो, है ना। हो सकता है फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू मतलब डिफाइन ही ना हो, हो सकता है वैल्यू डिफाइन हो तब भी कुछ और वैल्यू आ रही हो, अपना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब एक्स के ए के आसपास क्या वैल्यू है ना, एक्स इज इक्वल टू ए के आसपास क्या वैल्यू है, अपन बोल रहे हैं व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स के आसपास यदि अपन ए के आसपास मूव करें तो एफ ऑफ एक्स मान लो एल को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो एल को टेंड कर रही है, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स when x tending to a will be equal to l, है ना। ये equal to l है, ये exact है, है ना। This is not approaching, है ना। Limit यदि तुमने निकाल ली तो वो limit क्या है, is equal to l है, वो approach नहीं करती, है ना। Approach क्या कर रही है यहाँ पे, दो चीजें approach कर रही है, एक तो x approach कर रहा है a को, दूसरा f of x approach कर रहा है l को। If this happens, then limit of f of x when x tending to a will be equal to l. So this is the statement of limit of the function at x is equal to a, है ना? When x tending to a, f of x will be equal to l. ठीक है? तो यहाँ पे दो तीन बातें समझने वाली है। First line अपन क्या समझ सकते हैं? We x tending to a does not imply x is equal to a. We have no interest in finding what is the value of x is equal value of f of x at x is equal to a. कोई interest नहीं है अपना, है ना। x is equal to a में अपना कोई interest नहीं है। तो अपने पास जो note करने वाली बात है, x tends to a, है ना, x tends to a is not equivalent to x is equal to a. है ना, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। x इज इक्वल टू ए में अपना इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, है ना। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट नियर बाई पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू a, है ना। यही बात लिमिट में समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपना कोई फोकस नहीं है, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है किस चीज में, x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इज नेवर टेंडिंग, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एल, है ना। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल या दिस इज नेवर टेंडिंग, ये टेंडिंग नहीं है ना, इट इज ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। है ना, ये L के एग्जैक्टली इक्वल है। ये जो बात अपन लिख रहे हैं ना, इसी बात का मतलब ही है ना, इसी को अपन डिफाइन कर रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। है ना, लिमिट ऑफ f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू a इक्वल टू l होगा इफ x यदि a को अप्रोच करे तो f ऑफ x l को अप्रोच करना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, इज इक्वल टू l होगी, ठीक है। बात सही बात। थर्ड पॉइंट, एट x इज इक्वल टू a फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफाइंड, अवर इंटरेस्ट इज x tends to a, not x is equal to a, है ना। तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है ना। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा, किसी फंक्शन के लिए लिमिट का, कोई फंक्शन एक लेते हैं उस पे अपन सोचते हैं कि मतलब क्या है लिमिट का, ठीक है।
ये तो अपन ने क्या किया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसकी समझी है ना। चलो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि कोई एग्जांपल लेके, लेट्स से लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन है अपने पास है ना। लिमिट किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन व्हेन एक्स टेंडिंग टू वन है ना। ये जो लिमिट लगा हुआ ये उस इस पूरे फंक्शन के लिए है, ठीक है। अच्छा अब x टेंडिंग टू वन है, कोई बोलेगा सर x इज इक्वल टू वन तो इसकी डोमेन में नहीं है। सही बात है, अपने को x इज इक्वल टू वन से मतलब भी नहीं है। अपन बोल रहे हैं कि x वन के आसपास होगा तो क्या होगा, तो समझते हैं x वन के आसपास होगा, या अपन बोल सकते हैं कि वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन, तो वन को अप्रोच करते हैं, x इज इक्वल टू वन की तरफ बढ़ते हैं। अब वन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं अपने पास, इस साइड से अप्रोच कर सकते थे और इस साइड से अप्रोच कर सकते थे। इसको अपन बोलते हैं इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाली क्या है, इसकी राइट हैंड लिमिट है ना। x इज इक्वल टू वन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं अपने पास, एक वन इज राइट हैंड लिमिट और अनदर इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अभी अपने को समझ में आएगा दोनों का मतलब क्या है। वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो अपन बोलते हैं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.9, तो एफ ऑफ एक्स देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा देखो 1.9 आएगा, सोल्व कर लेना। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.99 एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चों 1.99, सोल्व कर लेना। उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ x प्लस वन। बोल सकते हैं अपन ऐसा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू वन वी कैन राइट दिस फंक्शन एज x प्लस वन। सो व्हाट इज दिस फॉलोइंग फंक्शन इज फॉलोइंग डेफिनेशन x प्लस वन, व्हेन x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 1.999। तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, देखो ये वैल्यू जा रही है 2 की तरफ। x जब बहुत बड़ा नंबर मान लो 1 से जस्ट छोटा, 1 के बिल्कुल करीब अपन जाएंगे है ना 0.99999, तो ये f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा 1.99999, ठीक है। किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सही बात है। अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ, 1 से हल्का सा बड़ा वैल्यू है ना, अपन इधर से आ रहे हैं है ना। पहले लेते हैं अपन 1.1, x इज इक्वल टू 1.1 तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x आएगा 2.1। व्हेन x इज इक्वल टू और नजदीक आए 1 के और नजदीक आए मतलब 1.01 तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 2.01। व्हेन x इज इक्वल टू 1.001 तो f ऑफ x क्या आएगा बच्चों 2.001, और x इज इक्वल टू 1 के नजदीक आ रहे हैं। सिमिलरली 1.0001 तो f ऑफ x क्या आएगा 2.0001। तो ये यहां से भी किसको अप्रोच कर रहा है, यहां से भी किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। बोलो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। अपन बोल रहे हैं कि व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, इसको अपन बोल देते हैं कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब 1 की नेगेटिव साइड है ना, ये 1 की पॉजिटिव साइड है, ये 1 की नेगेटिव साइड है 1 की, तो इसको बोलते हैं अपन x टेंडिंग टू 1 माइनस देन f ऑफ x इज टेंडिंग टू व्हाट, 2। इसको अपन बोलते हैं व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 प्लस है ना, 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो fx किसको टेंड कर रहा है बच्चों, fx टेंड कर रहा है 2 को। दोनों ही केस में fx किसको टेंड कर रहा है, 2 को। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है पॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आया। इस बात को अपन ग्राफ से समझते हैं ना, इस बात को अपन ग्राफ से समझते हैं कि इसका मीनिंग ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, इसका यदि ग्राफ बनाए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू, इसका ग्राफ बनाओ देखिए क्या आ रहा है इसका, एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स क्या है,
x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू वन. तो फॉर x नॉट इक्वल टू वन वी कैन राइट दिस एज x प्लस वन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू वन. x जब 1 के बराबर नहीं है तब हमेशा अपन क्या कर सकते हैं, x माइनस वन को x माइनस वन से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ए नॉन जीरो नंबर. ठीक है, तो ये x प्लस वन को फॉलो कर रहा है ग्राफ और x इज इक्वल टू वन पे अपने को पता है डिफाइन नहीं है फंक्शन, ये कुछ इसका ग्राफ आया. सही बात है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं यहां पे, ये पॉइंट है 1. तो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, f ऑफ x अप्रोच कर रहा है किसको, ये है वैल्यू 2 है ना. f ऑफ x किसकी तरफ, x को 1 को 1 से 1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x 2 को अप्रोच कर रहा है, क्या 2 की तरफ मूव कर रहा है. और x यदि अपन 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है. राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज when x tending to 1 f of x is tending to 2, hence limit of f of x when x tending to 1 is equal to 2. ठीक है, it is not tending, it is always equal to 2. ठीक है, समझ में आ रही है बात. छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट बेसिक. सो अपन ने एग्जाम्पल देख लिया लिमिट पे, नेक्स्ट अपन आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी है ना, क्या कंडीशन होनी चाहिए लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. तो अपन ने क्या निकाला, कोई भी फंक्शन लिमिट, लिमिट ऑफ एनी फंक्शन व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू ए विल एग्जिस्ट व्हेन व्हेन एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू, है ना, दो साइड से अप्रोच कर सकते थे अपन इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना. लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करें तो जो लिमिट आ रही है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर भी लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, एंड इट शुड बी फाइनाइट, है ना. वैसे तो फाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई दो नंबर इक्वल है तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर को अपन इक्वल नहीं बोलते हैं ना, इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं इनफिनिटी में. फिर भी अपन लिख लेते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम फाइनाइट नंबर. LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, है ना, a से हल्का सा छोटा, a माइनस का मतलब क्या है, a से हल्का सा छोटा, शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x. दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंड ऑल्सो आना चाहिए फाइनाइट. देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू ए विल एग्जिस्ट. ठीक है, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं. तो ग्राफिकली इस बात को अपन समझते हैं कि ग्राफिकली इस बात का मतलब क्या है. तो लिमिट क्या कब एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो ग्राफिकली इस बात का मतलब समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है. ठीक है, सबसे पहले अपन ने ग्राफ लिया, लेट्स से ये अपने पास ग्राफ है, दिस इज x इज इक्वल टू 2, है ना. वी हैव टू फाइंड, दिस इज लेट्स से 3, ये ग्राफ है मान लो y इज इक्वल टू f ऑफ x का एंड वी हैव टू फाइंड लिमिट of f of x when x tending to 2, limit of f of x when x tending to 2. तो अपन बोलेंगे कि x is equal to 2 को अपन किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. तो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू मतलब f of x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बच्चों, 3 को अप्रोच कर रही है, बोलो, है ना. यहां पे f ऑफ x क्या आ रहा है, कुछ ज्यादा आएगा 3 से हल्का सा. फिर अपन जैसे जैसे 2 की तरफ मूव करेंगे तो f ऑफ x किसको मूव कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को. सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x विल अप्रोच टू 3, है ना. f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 3 को.
Hence, limit of this function will exist. And अपन बोल सकते हैं limit, that limiting value will be equal to 3. तो limit of f of x when x is equal to 2 will be equal to 3. Next problem देखते हैं. ठीक है, ये है मान लो 1, ये है 2. तो अपने को निकालना है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0. तो एक्स जब 0 को टेंड कर रहा है, मतलब एक्स ये है 0, एक्स 0 को टेंड कर सकता है 0 के राइट हैंड साइड से और 0 के लेफ्ट हैंड साइड से. तो व्हेन वी अप्रोच टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है किसको? 1 को. और राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? राइट हैंड साइड से y की वैल्यू या f of x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 को अप्रोच कर रहा है ना. तो अपन बोल सकते हैं कि f of x when x tending to 0, LHL क्या आ रहा है? LHL is equal to आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से है ना 0 माइनस है ना लिमिट x tending to 0 माइनस f of x which is लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1. ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों? राइट हैंड लिमिट आ रही है 2. हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. हेंस दिस फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. फॉर दिस फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहां पे भी अपना इंटरेस्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए में नहीं था. ठीक है, अगेन तो एक प्रॉब्लम लेते हैं. तुम्हारे को बताना है यहां पे लिमिट की कुछ वैल्यूज. This is 2, this is 1. ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है अपने पास है ना. अपने को क्या निकालना है? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 निकालो खुद से. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 2, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 3, ऑल्सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 4. ये चार वैल्यूज निकालनी है हमने. एफ ऑफ एक्स की लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 पे आरएचएल क्या है और एलएचएल क्या है? LHL क्या बच्चों? LHL यहां पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करें तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या है? 2 को अप्रोच कर रही है. लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है ना. ठीक है, y की वैल्यू राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है, y इक्वल टू 1 को. तो ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? y इक्वल टू 1 को. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली यहां पे LHL और RHL निकाल लेते हैं. एक्सटेंडिंग टू 2 पे, एक्सटेंडिंग टू 2 पे LHL क्या आएगा? 2 को टेंड कर रहा है. बोलो ये ग्राफ किसको टेंड कर रहा है? 2 को टेंड कर रहा है. और RHL भी क्या किसको टेंड कर रहा है? 2 को. तो बोथ आर टेंडिंग टू 2 फॉर एक्सटेंडिंग टू 2. लास्ट में 1 कर लो.
when x tending to 2, y is also tending to 2, hence limit is equal to क्या आ रहा है, answer will be 2. Limit of f of x when x tending to 2 will be equal to 2. Limit of f of x when x tending to 3, 3 पे है ना, 3 पे RHL क्या आ रहा है और LHL क्या आ रहा है, here LHL is LHL is tending to 1 and RHL is tending to राइट हैंड साइड से, 3 के राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच हो रही है, 2 को, हेंस बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट वी विल से, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इधर व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स टेंडिंग टू 1 पे ये 1 को अप्रोच कर रहा है क्या, वाई की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर अप्रोचिंग टू 1. Hence, limit of the function will be equal to 1. So, this will be the answer. Graph, maan lo aisa kuch hai. Limit of the f of x when x tending to 0. x इज इक्वल टू 0 मान लो, इसका एसिम्प्टोट है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यहां पे LHL क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यदि x को अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को. इधर से व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बच्चों, प्लस इंफिनिटी को. तो RHL और LHL दोनों क्या है इसका, Both approaches to infinity, दोनों infinity को approach कर रहा है, hence limit does not exist, है ना, infinity कोई finite value आनी चाहिए और दोनों equal आनी चाहिए, hence limit does not exist, limit does not exist, clear है point, समझ में आ रही है बात. Similarly, for this graph. Limit of f of x when x tending to 0 will be limit of f of x when x tending to 0 क्या आएगा, इधर minus when x tending to 0 minus पे ये plus infinity को approach कर रहा है और 0 plus पे ये minus infinity को approach कर रहा है ना. थोड़ी देर के लिए अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यार limit दोनों की same value को tend कर रही है, but that same value is not equal, that is infinity. Infinity के बारे में है ना, x is equal to infinity अपन कभी लिख ही नहीं सकते, x is equal to infinity अपन लिख ही नहीं सकते, कोई वैल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना. x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या अपन बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है. अपन क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन ने लिख दिया तो उससे बड़ा नंबर क्या है फिर, है ना, इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू यदि इन्फिनिटी है तो उससे बड़ा नंबर भी तो होगा. अपन बोल देंगे कि एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी से बड़ा नंबर निकाल लो, यदि अपन ने इन्फिनिटी को अप्रोच या इन्फिनिटी के को इक्वल टू अपन पहुंच गए तो उससे बड़े भी तो नंबर एग्जिस्ट करते हैं. अपन कभी भी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख नहीं सकते, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. इसीलिए लिमिट f of x when x tending to 0 b is equal to infinity अपन नहीं लिख सकते. लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए हमेशा. तो लिमिट f of x when x tending to 0, यहां पे यदि LHL की बात करें, LHL क्या है, प्लस इंफिनिटी. LHL क्या है बच्चों, प्लस इंफिनिटी. और RHL किसको टेंड कर रहा है, RHL टेंड कर रहा है अगेन अपन बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी को, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. एक भी प्लस इंफिनिटी आ गई तो लिमिट अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट. सो दीज आर द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ लिमिट, है ना. कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, बेसिक प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल नहीं, सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं. फंक्शन की फॉर्म में अपने को गिवन है चीजें, उनकी लिमिट निकालते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से, है ना, जस्ट समझने के लिए चीजों को. फर्स्ट प्रॉब्लम,
limit x tending to 2 fractional part of x, है ना, ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, fractional part of x, x tending to 2 निकालना है। तो अपन बोलते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा नंबर लेंगे, है ना, जैसे 1.99999, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, किसको अप्रोच कर रहा होगा, जैसे जैसे अपन 2 के अंदर 2 के पास चलते जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट उसका किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा, सही बात है ना। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, 1.99 का 0.99, 1.99 का 0.999, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा बच्चों, दैट विल अप्रोच एस टू 1, हेंस LHL, LHL विल बी इक्वल टू 1। ऐसे सिमिलरली अपन बोलेंगे कि राइट हैंड साइड से यदि अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब अपन बात कर रहे हैं 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 2.01 का 0.01, 2.001 का 0.001। तो x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 को प्लस साइड से अप्रोच किया अपन ने, है ना, 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लेंगे, तो RHL राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। हैंस अपन बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू क्या आएगी इसकी, अपन बोलेंगे कि 2 से जस्ट छोटा अपन ने नंबर लिया विच इज LHL, वो क्या आएगा अपने पास, वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा ना। 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, है ना, इक्वल टू 2 में इंटरेस्ट नहीं है अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड से अप्रोच किया अपन ने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका, 2। 2 से थोड़ा सा भी नंबर बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। हेंस हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist। ऐसे ही f of x is equal to, let's say, है ना, limit of f of x, x tending to 2, f of x क्या अपने पास, greatest integer of x plus minus x का greatest integer, ठीक है, ये function है, इसका limit निकालना है x tending to 2 पे, ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अपन पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का सा छोटा नंबर, 2 से हल्का सा छोटा नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 से हल्का सा छोटा नंबर विल बी 1, इसका आंसर क्या आएगा, 1। माइनस 2 से हल्का सा, मतलब 2 से हल्का सा छोटा का मतलब हो गया -1.9, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ 2, है ना, -1.9, अपन वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस ऑफ 2, आंसर विल बी -1। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगा अपने पास, राइट हैंड लिमिट विल बी 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लिया अपन ने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका, 2। 2 से हल्का सा बड़ा नंबर लिया मतलब -2.1, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3, सही है बात, जानते हैं अपन। तो RHL इज इक्वल टू क्या आ रहा है, LHL, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, हियर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू -1, हेंस दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू -1, क्लियर है पॉइंट, सही है बात, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, तो इस केस में क्या है, इस केस में अपने पास LHL क्या आएगा, x 0 से हल्का सा छोटा, मतलब LHL विल टेंड टू -∞, और राइट हैंड लिमिट 0 से जस्ट बड़ा, तो 1/0 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, बट 0 से हल्का सा बड़ा मतलब +∞ को, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपन एक ही बार में बोल सकते हैं, यदि एक भी इन्फिनिटी आ गया तो लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/x, ये क्या मिलेगा अपने को,
अब अपन राइट हैंड साइड से जाते हैं, राइट हैंड साइड से RHL, RHL इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड से, या अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो एक्स एक्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्या मिल जाएगा अपने को, वन, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, फिर भी उस केस में भी क्या है, जैसे मान लो पॉइंट टू लिया तो पॉइंट टू को कैंसिल कर देगा, पॉइंट जीरो जीरो टू लेंगे तो पॉइंट जीरो जीरो टू को अपने कैंसिल कर देगा, एक्स एक्स, एक्स विल बी कैंसल्ड बाई एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जब जीरो नहीं है तो हमेशा कैंसिल कर सकते हैं, और इस एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब ही यही है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी आर टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो एल एच एन एंड आर एच एल दोनों क्या रही है, वन, हेंस लिमिट इसकी क्या आएगी, इक्वल टू वन, सही है। इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, डिस्कस करते हैं अपन अभी, है ना, ठीक है। तो आई होप तुमने पॉज, वीडियो पॉज करके ट्राई किए ये प्रॉब्लम्स, करते हैं अपन इनकी प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले अपन इस प्रॉब्लम के लिए, क्वेश्चन नंबर वन के लिए अपन बात करते हैं किसकी, आर एल एच एल की, है ना। एल एच एल की यदि बात करें तो अपन बोलते हैं कि वेन एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू से मतलब नहीं है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे तो साइन एक्स वन को होगा, बट एक्स पाई बाई टू माइनस पे, पाई बाई टू माइनस पे साइन एक्स क्या होगा, वन से जरा सा छोटा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट विल बी जीरो, और कॉस इनवर्स जीरो विल बी, कॉस इनवर्स जीरो विल बी पाई बाई टू। अपन क्या बोलेंगे कि साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, पाई बाई टू से जरा सा कम होगा ना, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, आर एच एल एंड एल एच एल दोनों। तो आर एच एल व्हेन एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स विल बी व्हाट, क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, ये आएगा जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि साइन एक्स क्या होगा, वन से छोटा, जीरो और वन से, वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा जीरो, जीरो का कोस इनवर्स विल बी, कोस इनवर्स ऑफ जीरो विल बी पाई बाई टू। सिमिलरली एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस बी, प्लस बी अपने पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा पाई बाई टू, तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, हेंस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, पाई बाई टू। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं, एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एल एच एल, निकालते हैं एल एच एल, क्वेश्चन नंबर टू के लिए निकालते हैं एल एच एल, एल एच एल क्या आएगी, जीरो माइनस पे देखो, जीरो माइनस पे जो साइन एक्स फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, है ना, जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से जस्ट छोटा कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका, माइनस वन। अब कोस इनवर्स ऑफ माइनस वन क्या मिलेगा अपने को, कोस इनवर्स ऑफ माइनस वन मिलेगा पाई, कोस इनवर्स ऑफ माइनस वन क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों, पाई। तो एल एच एल क्या आ गया, पाई। ऐसे सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आर एच एल निकालते हैं, जीरो प्लस की बात करें, जीरो से जस्ट बड़ा कोई नंबर लेंगे तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर साइन एक्स, साइन एक्स विल बी जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी जीरो, तो कॉस इनवर्स ऑफ जीरो विल बी, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो विल बी जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो विल बी सॉरी पाई बाई टू, ना कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, ना कॉस इनवर्स ऑफ जीरो विल बी पाई बाई टू। यहां पे क्या आ गया देखो, यहां पे क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, समझ आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। सिग्नम ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, पाई बाई टू प्लस की बात करें चाहे पाई बाई टू माइनस की बात करें, कोस स्क्वायर एक्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा, इक्वल टू पाई बाई टू तो लेना नहीं है अपने को, पाई बाई टू प्लस पे और पाई बाई टू माइनस पे, यदि इक्वल टू पाई बाई टू की बात करें तब भी ये फंक्शन डिफाइन है और किसके बराबर है, सिग्नम, सिग्नम ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई टू इज जीरो, है ना, क्योंकि कोस स्क्वायर पाई बाई टू जीरो होगा, बट अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लिमिट निकालने में है, तो पाई बाई टू प्लस पे ये क्या होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा नंबर होगा जीरो से, कोस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस पे, एग्जैक्ट पाई बाई टू पे जीरो है,
पाई बाई टू प्लस पे और पाई बाई टू माइनस पे दोनों पे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, उसका सिग्नम उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एल एच एल भी क्या आएगा बच्चों, एल एच एल भी क्या आएगा, दोनों साइड से एल एच एल भी वन और आर एच एल भी क्या आएगा वन। हेंस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू एल, इसकी क्या रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट वाला ध्यान से समझो, सेक ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वन प्लस की बात करें अपन, वन प्लस का मतलब क्या हो गया कि सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट बड़ा। सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट बड़ा, और सेक का इनपुट क्या है, पाई से जस्ट छोटा, है ना। अपन बात करते हैं पहले एलएचएल मतलब पाई से जस्ट छोटा, पाई से जस्ट छोटा मतलब अपना क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक क्या होता है, नेगेटिव। सेक यदि नेगेटिव नंबर है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक पाई कितना होता है, माइनस वन, तो माइनस वन से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। अपने को पता है सेक ऑफ पाई से जरा सा बड़ा और पाई से जरा सा छोटा यदि अपन ने नंबर लिया, तो सेक ऑफ पाई एक्स का जो आउटपुट है दैट विल बी माइनस वन से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, तो माइनस वन से तो बड़ा आएगा नहीं उस इंटरवल के लिए, तो माइनस वन से जस्ट छोटा कोई नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस टू। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, माइनस टू। तो एल एच एल भी माइनस टू होगा और आर एच एल भी माइनस टू होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आएगी, माइनस टू। हैंस वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी माइनस टू, इसकी लिमिट क्या आ रही है, वन। तो ये प्रॉब्लम्स थी अपने पास बिल्कुल बेसिक से। अब हर बार तुम बोलोगे कि सर इतना करना पड़ेगा क्या, है ना, हर बार अपने को इतना करना पड़ेगा क्या, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अपन बोलेंगे कि हर बार नहीं करना पड़ेगा इतना। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जिनकी डेफिनेशन चेंज होती है इंटरवल्स में, उन फंक्शंस के लिए ही अपन बात करते हैं जिसमें अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना, जहाँ पे वो वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल दोज फंक्शंस फॉर विच डेफिनेशन चेंजेस इन देयर डोमेन, और वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अपने को, है ना, फंक्शन यदि ब्रेक हो रहा है तो अपने को चेक करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन देयर इज नो नीड टू चेक राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल दोज फंक्शंस। वी विल डायरेक्टली व्हाट वी विल कैलकुलेट, जस्ट एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेक नहीं हो रहा है यदि तो x इज इक्वल टू ए के इधर जाओ चाहे इधर जाओ, वैल्यू हमेशा अपने को क्या मिलेगी, f ऑफ a, ये अपन बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमेशा अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट बेसिक अपने को समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे अपन समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या आती है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम्स बहुत ही बेसिक है। इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, है ना। एल क्या है यहाँ पे, फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट ही होती है यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो, और एम भी क्या है यहाँ पे, सम फाइनाइट नंबर, फिक्स्ड है ये, अपने को पता है मान लो, है ना, ये दोनों लिमिट पता है, देन व्हाट वी कैन से, है ना। कोई बहुत बड़े थ्योरम्स नहीं है, बहुत बड़े रूल्स नहीं है, ऑब्वियसली अपने को खुद को भी ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स या माइनस जी एक्स का लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अपन बोलते हैं, बोल सकते हैं कि इस लिमिट को अपन अंदर ले सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड है, उसका लिमिट भी अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं अलग से एल, ये अपने को पता है। जी एक्स का भी लिमिट मान लो अपने को पता है, तो देन वी कैन पुट लिमिट इनसाइड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट
x टेंडिंग टू ए जी ऑफ x, तो इसकी शर्त क्या है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसकी लिमिट अपने को पता होना चाहिए, तब ये काम कर पाएंगे। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a जी ऑफ एक्स। या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यदि ये पता है तो डायरेक्टली अपन इसको क्या लिख देते हैं, ये l प्लस माइनस m, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, l इंटू एम। सही है बात, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स अपने को पता है तो ये होगा l बाई m, वेर m इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही है बात, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, l टू दी पावर m, है ना, एफ एक्स लिमिट है कि एफ एक्स की लिमिट पता है अपने को, अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं कि लिमिट को अंदर ले गए, यदि ये दोनों लिमिट अपने को पता है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये सब बातें हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते अपन, जैसे लिमिट ऑफ, लेट्स अपने को इसकी लिमिट निकालनी होती, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x अपॉन या साइन x अपॉन x मान लो, ठीक है, अपन ये नहीं लिख सकते अब इसमें लिमिट ऑफ साइन x एक्स टेंडिंग टू जीरो इंटू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स, है ना, दिस इज रॉन्ग, ये लिखना गलत होगा। क्यों गलत है, इसमें साइन x की लिमिट तो अपने को पता है बट ये लिमिट क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये दोनों साइड आपको इक्वल नहीं है, ये काम जो अपन ने किया है ना ये गलत है, दिस प्रोसेस इज रॉन्ग बिकॉज हियर लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स इज इंफिनिटी, दैट इज दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तभी अपन m इंटू एन लिख पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, दिस इज वैलिड, दिस थिंग इज वैलिड फॉर एवरी रूल, तभी अपन लिख पाएंगे ये बात। तो बहुत ही बेसिक थ्योरम से है, यदि है ना, बहुत सिंपल है, अपने को साफ साफ बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रही है कि अच्छा ऐसा तो होगा ही, ऑब्वियस है ये तो, है ना, बट ये जो ऑब्वियस अपन बोल रहे हैं ना इसी में गलती हो सकती है, कब नहीं कर सकते अपन, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी अपन ये लिख पाएंगे, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।